सिर पे बाल उगाने का फॉर्मूला, वो भी बहुत ही आसान सा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे वादा करा था कि एक मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आऊँगा जो कि बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ों की नहीं ज़रूरत पड़ेगी और वो भी ऑथेंटिक फार्मूला किसी आचार्य द्वारा बताया हुआ, अपना मनमर्जी से और मनगढ़ंत फार्मूला नहीं। और लोगों ने बहुत फ़ोन करके भी मुझसे कहा कि उस पर एक वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपको बताता हूँ जो आचार्य चक्रदत्त ने भैषज रत्नावली में जो फॉर्मूलेशन बताई गई है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, तभी कृपा रुकी है, तभी बाल झड़ने बंद होंगे आपके, और जो बाल सिर गंजापन हो गया है वो दूर होगा। कृपा तभी वही रुकी है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग तो मैं बताता हूं। अच्छा, आयुर्वेद में जो मैं क्यों कहता हूं अपने आप बना के करिए, कंपनी है क्यों इतना फोकट करेंगी आपके लिए, जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन आपको बताऊंगा आज ही थोड़ा कि आयुर्वेद में क्या है। जहां पाठ में अंतर हुआ, आपने पढ़ने में डिफरेंस करा और उस तरीके से बनाया, तो सब वो फार्मूला बेकार हो जाता है, वो आपको फायदा नहीं मिलता है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसे चिकित्सक होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूं। तो मेरे चैनल को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं ये क्या बताया है आचार्य चक्रदत्त ने। उन्होंने बताया है क्षुद्र रोग चिकित्सा में 111वें श्लोक में उन्होंने बताया है, खालित्य यष्टि मधुकम तैलम, यानी कि खालित्य यानी कि एलोपेशिया या बाल झड़ने में यष्टि मधु का तेल, तो उसमें उन्होंने बताया, जरा देखिएगा यहाँ पे उन्होंने बताया है, तैलम स यष्टि मधुकः क्षीरे धातृफलय श्रुतम, यानी कि तेल स यष्टि मधुकः, यष्टि मधुकः मतलब मुलेठी के साथ, क्षीरे यानी क्षीर यानी दूध, धातृफल है यानी कि धातृफल यानी आंवले के साथ में, श्रुतम यानी श्रत बनाने को। अब श्रत क्या है, श्रत आचार्य चरक ने बताया है, वन्नितो कथितम द्रव्यम श्रत महोत्सिका, यानी कि आप उसका अग्नि के संयोग से जिस चीज का आप बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, दूध द्रव्य को पकाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं काढ़ा बनाते हैं, तो यहां पे जो मुलेठी का और आंवले का कल्क लेना है उसको पकाना जो है, कल्क यानी पेस्ट यानी चटनी, उसको पकाना है, उसको पानी में नहीं काढ़ा बनाना है, उसको दूध में डायरेक्ट काढ़ा बनाना है। हाँ, दूध में आप पानी मिला सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, तो उसमें बना करके आप 250 ग्राम इसका पेस्ट लीजिए मुलेठी का और आंवले का, ताजा नहीं मिलता है, नहीं तो सूखे ले ले, कहीं भी मिल जाएंगे परचून की दुकान पे, तो उसको सूखा लेके थोड़ा सा पानी में भिगा दें, रात भर भीगने दें, सुबह उसको उसका पेस्ट बना लें, तो वो भी सेम काम करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आचार्यों ने बताया, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस चैनल में। तो उस इस पेस्ट को 250 ग्राम की मात्रा में लेकर के 4 किलो दूध में पकाएं, दूध जहाँ भी बोला जाए वहाँ पे गौ दूध ही लें, हाँ उसमें पानी आप इस मिला सकते हैं, लेकिन जो अब यहीं पर मैं बता रहा हूँ, पाठ अंतर हो जाता है, पाठ पढ़ने में अगर अंतर हो जाता है तो अलग हो जाता है। यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे प्योर दूध में बनाना है, मतलब दूध में ही बनाना है इसका श्रत, पानी में नहीं बनाना है जैसे और में और तेलों में बनाना होता है, तो पानी में काढ़ा बना के फिर दूध मिला के फिर वो तेल सिद्धि करी जाती है। अब कंपनियाँ क्यों करेंगी इतना सब खोकर दूध में बनाएंगी, वो सीधे से पानी में बना के मिला देंगी और फिर आप कहेंगे कि इसका इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ बना सकते हैं वो घर में बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा। तो इसका तेल वो कल को दूध में पकाइए, श्रत जब बन जाए उसके बाद 1 लीटर तिल के तेल में इसको पका करके, जब तेल सिद्धि हो जाए, जब सारा जलीय अंश उड़ जाए, तो इसको छान करके 1 cc में रख लें और इसका नश्य लें। नश्य लेने के बारे में बताया चार चार के, मैं बताता हूँ नश्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि नश्य दत्तम जनयति के शमशूणी चाप्यथ, यानी कि यह तेल नश्य देने से सिर दाढ़ी और मूछों में बाल उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा बोला है आचार्य ने। तो इसका नश्य लीजिए, और लेकिन उससे पहले आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कृपा वाकई में आपकी वहीं रुकी हुई है। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे
तब तक गंजे सिर में दोबारा से बाल नहीं मिलेंगे, और जो बाल झड़ रहा है वो रुकेंगे नहीं। और वीडियो देखने के बाद में अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो समझ लीजिए बाल झड़ने भी शुरू हो जाएंगे। खैर चलिए, सब जोक है, मजाक कर रहे हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही ऑथेंटिक डिफरेंट आचार्यों के बताए हुए फॉर्मुलेशंस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।